ओके लेडीज एंड एक बार दोबारा से स्वागत है सुनील का अपने इंट्रोडक्शन है पहले रहते थे इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर एक्सटेंशन में एक झुकी झोपड़ी इलाका है वहां पर इन्होंने अपने बचपन के तेरह साल गुजारे और अब ये कैनेडा में है पिछले चालीस इकतालीस साल से और आए हुए हैं डेली में पिछले एक महीने से और कल जा रहे हैं सीधा चौर यहाँ पर ये एक बिजनेस टाइकून है रियल एस्टेट के अंदर है और ये लखपति नहीं करोड़पति नहीं ये अरबपति हैं और ये बने हैं अरबपति पहले ये पुलिस में थे कनाडा के पुलिस में थे और 17 साल के अंदर सिर्फ 17 साल में अरबों रुपए इन्होंने कमाए हैं और आज ये अपने सारे के सारे गोर आपको देने जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कि कैसे आप रियल एस्टेट के कैनेडा में हो तो दिल्ली में हो तो इंडिया में हो किसी भी कोने में हो कहीं पर भी हो आप इन्हीं तरीकों को सीख करके विदाउट इन्वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ मनी कमा सकते हो जी ओवर टू थैंक यू थैंक यू फॉर हैविंग मी और पहली बात मैं आपको बताऊं कि लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई रियल स्टेट में हमें पता है कि पैसे कमा कमा सकते हैं पर हमारे पास पारे पैसे नहीं है हम ये काम कर रहे हैं हम टैक्सी ड्राइवर्स हैं हम ऑटो ड्राइवर हैं या हम कहीं फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं पचास हज़ार बीस हज़ार एक लाख कमा रहे हैं एक महीने पर पैसे कहाँ से करें <स थाँगी> तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास पैसे ना हो और आप रियल स्टेट में फुल टाइम या पार्ट टाइम आप पैसे कमा सकते हैं कमाना चाहते हैं तो वो कैसे कमाएँ अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, नहीं है या आपके पास पैसे है ही नहीं कैसे करें तो जिसके पास पैसे हैं वो भी देखें मेनली फायदा यह होगा जिसके पास पैसे नहीं है उसके लिए रियल एस्टेट विदाउट मनी क्या हुआ था जब पंद्रह सोलह सत्रह साल हो गए अब जब हमने पुलिस uh, फोर्स की जो पुलिस uh, डिटेक्टिव की जॉब छोड़ी तो उस टाइम एक, एक एक कोर्स लिया था जिसके लिए हमने पांच हजार डॉलर दिए थे सो सो अबाउट लाख रुपीस हाँ. so, उसमें क्या है कि uh, वो कोर्स हमने लिया था उस कोर्स में था कि हाउ टू बाय प्रॉपर्टीज अगर उसके पैसे नहीं है हुँ. तो उसमें से हमने हजारों मतलब प्रॉपर्टीज uh, ली हैं हुँ. जो नो मनी डाउन तो ये हमने ही नहीं हमारे स्टूडेंट्स ने हमारे फ्रेंड्स ने लिए तो जो आप जो सिंपल चीजें आप सीखेंगे सिर्फ एक चीज एक आइडिया उसको आप यूज कीजिए तो ये हो गया रियल स्टेट विदाउट मनी चाहे कोई भी कंट्री में रहते हो आप कहीं पे भी रहते हो इंडिया में रहते हो या कहीं पे भी रहते हो रूल्स आर सिमिलर रूल्स आर सिमिलर वेरी सिमिलर सो लेट्स टॉक अबाउट दिस तो पहली है इंस्टेंट एक्विटी तो लोग कहते हैं भाई इंस्टेंट एक्विटी का मतलब क्या होता है इंस्टेंट एक्विटी सब जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रियल स्टेट है जो नॉर्मली no डाउन जो विदाउट मनी उसका है कि आपको प्रॉपर्टी अच्छी प्राइस में लेनी पड़ेगी hmm. और अच्छी प्राइस में लेने के लिए आपको मोटिवेटेड सेलर्स ढूंढने पड़ेंगे। सेलर्स सो मोटिवेटेड सेलर्स वो लोग होते हैं जिनके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें उनको इमीडिएटली पैसा चाहिए, चाहिए।, पैसा चाहिए। जैसे? सम, जैसे कि आप समझो एक उनको दुकान खोलनी है और उनके पास घर है और दुकान वाले ने बोला कि आपको एक करोड़ एक एक महीने में चाहिए या दो हफ्ते में चाहिए उनके पास सिर्फ अपना घर है बस और कुछ नहीं है पर वो अपॉर्चुनिटी लूज इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो जो बिजनेस है उनको वो करोड़ कमाएगी तो एक एग्जाम्पल मैं शेयर करूँ हाँ हाँ एक एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसा ही यही हुआ था मेरे फादर इन लॉ के साथ में अच्छा। दो हजार दो हजार एक के अंदर हाँ लॉ के पास पैसा नहीं था उनको बिजनेस की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी पीतामपुरा में वो रहते थे घर था उनका तीन मंजिला का वैल्यू थी उसकी उस समय नब्बे लाख रुपए पैसा उनको अच्छी था पचास लाख रुपए के करीब तो उन्होंने जब उसकी वैल्यू लगवाई तो कहता है नब्बे लाख रुपए मैं आपका बिकवा दूंगा लेकिन दो से तीन महीने लगेंगे अगर आप अभी बेचते हो तो बिहत्तर लाख रुपए अच्छा जी। अब सुनने वाली बात है कि कि पिताजी ने ने मेरे फादर ने कहा कि मुझे जगह भी खरीदनी है भाई मेरा परिवार है तो कोई छोटी जगह दिला दो तो दिलाई तो सेलर जो है, वो उसका 42 मांग रहा है मुझे फोन आया पिताजी का, मेरे, फादर का, क्या करूं? मेरे का दो महीने रुक जाओ वो जो पिहत्तर लाख है वहां पर नब्बे लाख मिलेगा जो यहां पर आपको पैंतीस लाख का वो बयालीस लाख देना पड़ेगा है ना तो मत करो ये तीस चालीस लाख के चक्कर में अपना पंद्रह और सात बाईस लाख का नुकसान मत करो हाँ हा। दो दिन के बाद मेरे मेरी मदन लॉ का फोन आया कि वो बेच दी ये खरीद ली मैंने कहा क्या कर रहे हो हवन के लिए आ जाना मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा आज उसी बीस साल के अंदर उसी चालीस लाख रुपए से बात ही नहीं की थी कि ये एग्जाम्पल होगा की जब हम जब हम अनुराग और मैं बात कर रहे थे वीडियो से पहले ये हम पता ही नहीं था और ये लाइव एग्जाम्पल हुआ है सबके साथ मोर मेरे सैलर होते हैं जैसे किसी का डिवोर्स हो गया किसी को कंट्री से बाहर निकलना पड़ा जल्दी से कि भाई मेरे को सब छोड़-छाड़ के जाना है मेरे पास टाइम नहीं है और किसी का कुछ प्रॉब्लम uh, आ गया हेल्थ प्रॉब्लम आ गया और लगा भाई मेरे को हस्बैंड uh, को कैंसर हो गया या कुछ ऐसी भी होती है उनके पास पैसे नहीं है सो so, समटाइम्स वो सारी सिचुएशंस ही होती हैं सो so, कई बार ऐसा होता है पैसा चाहिए होता है और इंस्टेंट इक्विटी का मतलब ये हुआ अगर सिंपल करते हैं एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है और आपने जैसे आपने बोला 20% परसेंट कम से कम 20% परसेंट डिस्काउंट दिए आपके फादर लाल तो इसमें 20% परसेंट यूज़ करते हैं एक करोड़ की 80 लाख में बाय करते हैं क्योंकि उनकी नीड है जरूर है उनको और जो एक करोड़ का आप घर ले रहे हो मोरीबेरी सलर से एक करोड़ का घर है वो अस्सी लाख में ले रहे हो मीनिंग बीस लाख है ना हाँ। उसको कहते हैं इंस्टेंट एक्विटी मतलब इंस्टेंटली इमीडिएटली

रिटर्न्स uh, हैं तो इसको इसमें अगर 20 लाख कमाए तो यहां पे उसमें हमने 20 लाख रुपए हमारे को इंस्टेंट एक्विटी मिल गई जो इमीडिएटली मिली हालांकि हमने सेल नहीं किया है जब भी हम सेल करेंगे चाहे छः महीने में साल में या पचास साल में वो है दूसरा है पॉजिटिव कैश फ्लो पॉजिटिव कैश फ्लो तो बहुत सिंपल है मतलब जैसे आपका रेंट आपने एक शॉप खरीदा है और शॉप में उसका एक लाख रुपए का पर मंथ रेंट आ रहा है अगर उसका एक्सपेंसिस एक लाख से कम है सब जो अस्सी हज़ार है तो expenses मतलब EMI? EMI हुआ टैक्सेस हुआ टैक्सिस हाँ, हाँ. जो जो आपको देना पड़ रहा है अगर रेंटर को देना पड़ रहा है वो उसमें नहीं आता एक्सपेंसेस क्योंकि वो तो उसको पे करना है, जैसे बिजली हुआ पानी हुआ hmm. तो तो अगर ये इसमें से पॉजिटिव कैश फ्लो आता है ना इसका भी एक परसेंटेज है इंडिया में यूजुअली इंडिया में टू टू फोर परसेंट पर ईयर का ये इनका आरओआई होता है

तो जब आपने उसमें पांच लाख लगा दिए दस लाख लगा दिए पर जब दस लाख लगाए तो अब उसकी एक करोड़ वैल्यू नहीं है अब उसकी 1.2, 1.3 करोड़ हो गई इमीडिएटली 10 लगा के मतलब है कि आपने फोर्स कर दी वैल्यू को फोर्सिएट कर, कर, yes. कर दिया तो जब आप ले रहे हो ना घर वो आपके दिमाग में जो जीव? जो बेच रहा है उसको ये सब नहीं पता होना शायद और ये थर्ड पॉइंट फोर्थ अप्रिशिएशन है थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट जो है वो नेचुरल अप्रीशियशन जो सब कहते हैं कि भाई मैंने घर इतने का लिया इस साल वो दस परसेंट बढ़ गया तो हुँ. मेरा इतना बन गया तो ये तो सबको मालूम है appreciation क्या होता है तो मेरे कहने का मतलब है यहां पे प्लस आर ओ आई और ये भी प्लस हो गया अप्रीशिएशन हो, हो, हो गया अगर दस परसेंट अप्रीशिएशन यहां हुआ और यहां पे अगर दस परसेंट फोर्स अप्रीशियेशन हुआ तो आप देखते रहो कि अगर ये ट्वेंटी परसेंट है ये थ्री uh, परसेंट है ये दस परसेंट है तो दस बीस तेईस चालीस सो ये ये परसेंटेज ऐड होते जा रहे हैं ना कि कम होते जा रहे हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आर ओ ना वो समझो आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो तो आपके हैं जिसके पास बिल्कुल भी नहीं है तो शायद वो पैदल जाए कब पहुंचेंगे पता नहीं कुछ साइकिल में भी जा सकते हैं कुछ कार में जाएंगे कुछ प्लेन में जाएंगे कुछ ट्रेन में जाएंगे जितना ज्यादा आर ओ आई है उतनी ज्यादा स्पीड है वहां पहुंचने की तो आप दिल्ली में मुंबई जाना चाहते हैं प्लेन में डेढ़ घंटे में पहुंच जाओगे तो अभी आर ओ आई का मतलब होता है कि कुछ लोग बोलेंगे मैं सेविंग्स में रख लेता हूँ you know, टर्म डिपॉज में रख लेता हूँ पांच परसेंट इसका मतलब वो पैदल जा रहे हैं जाएंगे वो उनका भी बढ़ेगा पर वो मुंबई कब तक पहुंचेंगे वो उनका गोल है कि मैं Uh, 10 करोड़ कमाना चाहता हूं वो hmm. oh, 10 करोड़ कमाने के लिए कितना टाइम लगेगा hmm. वो डिपेंड होता है आरओआई पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये आप ये बिल्कुल नहीं स्किप करना ये बात ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रियल स्टेट की वो है लेवरेज इसको बहुत ध्यान से देखिएगा समझिएगा क्योंकि लेवरेज मेक्स मिलियनेर्स इंडिया में लेवरेज मेक्स करोड़पति और <laughs> लेवरेज का मतलब यह होता है कि आपने एक करोड़ का घर ये मैं ऐसे लिख देता हूं मैं लेवरेज का मतलब है आपने एक सीआर का घर लिया कोई बात नहीं और उसमें बैंक बैंक्स ने आपको अस्सी लाख दिए और आपने ट्वेंटी लाख रुपए अपने पॉकेट से दिए ट्वेंटी लाख आपके पास ऑप्शन है कि भाई एक करोड़ का घर है तो मैं एक करोड़ मेरे पास कैश है एक करोड़ मैं घर ले लेता हूँ ठीक है ना उसमें कोई ई एम आई नहीं होगा कुछ नहीं होगा और अब रेंटर में दे दोगे और हर महीने आपकी रेंटल इनकम ज्यादा आएगी क्योंकि ई एम आई था ही नहीं या दूसरा ऑप्शन ये है इन्वेस्टमेंट की टाइम पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है कुछ है तो आप बैंक के पास जाते हैं और आप बैंक को बोलते हैं कि मेरे को पाँच घर खरीदने हैं पांच घर खरीदने हैं और एक एक घर के लिए मेरे पास बीस लाख रुपए हैं सो so, सो so हो सकता है कि आप पांच ले सकते हैं चार ले सकते हो तीन ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल बैंक बोलेगी चलो बीस नहीं लाख अपनी जा, अपनी जगह से जाओ हम सत्तर लाख आपको दे देंगे तो लेवरेज का क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज अगर आपने पांच घर ले लिए और पांच करोड़ के घर ले लिए जिसमें आपने एक करोड़ डाला जो कि मैं बताऊंगा कि एक करोड़ कहां से आएगा तो वो घर दस साल के बाद अगर आप दस साल रख रहे हो वो घर अगर सिर्फ डबल हो जाए सिर्फ डबल हो जाए तो एक करोड़ वाला दो करोड़ में और पांच करोड़ वाला दस करोड़ में हो गया दस साल में दस साल में दस समझे दस वो मिनिमम होगा पर मिनिमम वो सिर्फ अप्रिशिएशन की बात हो रही है अभी तक कैश फ्लो की तो बात ही नहीं हो रही है अभी तक अभी तो वो दूसरा नहीं है पर नेचुरल अप्रिशिएशन की बात करते हैं अभी तो समझो अगर दस साल में डबल हो गया तो आपने एक घर लिया था एक घर एक करोड़ का और वो घर दस साल में दो करोड़ का हो गया इसका मतलब लेके चले कितना रिच बनना है अमीर बनना है वो इसकी बात कर रहे हैं कि अब वो द, एक आदमी दो करोड़ का हो जाता है वैल्यू और एक आदमी दस साल में और एक आदमी दस करोड़ का हो जाता है इसको ना मिलाएं तो इसको मिलाएं तो फिर और भी और ठीक है ना तो एक घर जिसकी टेन परसेंट वैल्यू बढ़ती है टेन परसेंट बढ़ती है तो इसका मतलब एक करोड़ वाला घर में आपको दस लाख रुपए मिल गए बढ़ गए मतलब पैसे आपकी अप्रिशिएशन बढ़ गई आपकी आपकी एक्विडी हो गई हर साल हर साल, पर अगर आपने एक करोड़ रुपया पूरा अपनी पॉकेट से डाला हो तो हुँ। तब आपको टेन परसेंट मिल गया पर अगर आपने बीस लाख रुपए डाले हैं और बीस बैंकों का पैसा जाते हैं 50 वाँ। 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 ये एक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप, आप सोचिए क्योंकि लोग को बोलते है, है, पास पैसा है मैं पूरा पैसा डाल देता हूं मेरे को ना किसी करना है हाँ रिस्क हर चीज में है रिस्क हो सकती है क्योंकि हो सकता है कि रेंटर कभी पैसा ना कुछ और पर हर हर बिजनेस में रिस्क है ये तो पक्का है पर रियल स्टेट में आप रिस्क को बिल्कुल मिनिमाइज़ कर सकते हैं अगर सही तरह से बाय करोगे सेकेंडली जो रेंटर्स आप चूज़ करोगे वो अच्छे होने चाहिए चाहे वो दुकान हो ऑफिस हो या फ्लैट हो जो भी है रेंटर को जरूर अच्छी तरह से आप देखिए और उसको लिखिए तो पांचों की पाँचों चीज़ आपको ना मिले हो सकता है कि ये पॉजिटिव कैश फ्लो सिर्फ ब्रेक इवन हो जाए ब्रेक इवन मतलब कोई इनकम नहीं आ रही है तभी भी शायद ये अच्छा है क्यों क्योंकि पांच में से चार चीजों तो मिल रही है ना अब मेरे को ये बताइए कोई कैलकुलेटर में अगर हर साल आप पचास परसेंट पचास परसेंट इंक्रीज होता है सिर्फ अप्रीशिएशन में और दस साल में वो क्या होगा आप बीस लाख को पचास परसेंट पर ईयर फॉर टेन ईयर्स ये मेरे को हमारे असिस्टेंट है वो करेंगे सिर्फ ये आपका दिमाग सोचने की है कि क्या होगा दस साल में ये बीस लाख बीस लाख प्लस प्लस 50 एवरी ईयर फॉर टेन ईयर फॉर्मूला लेकिन आप आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं ये माइंड बॉगलिंग चीज है कि अभी हम सिर्फ नंबर फोर की ही बात कर रहे हैं अप्रीशियन की क्योंकि आपको रिटर्न ट्वेंटी लाख रहे हैं ना कि करोड़ पे मिल रहे हैं अपना पैसा, मत का पैसा लगाओ और अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हमने आप बोलोगे मेरे पास तो बीस लाख भी नहीं है यह कैसे हमने किया था वो मैं आपको बताऊंगा नो मनी विदाउट कैसे हुआ था हुँ, हुँ। पर अभी इस पे आप ध्यान दो कि क्यों लोग पूरे वर्ल्ड में अरबपति करोड़पति मिलियनेर्स मल्टीमिलियनेर्स रियल स्टेट से बनते हैं ये एक फॉर्मूला है तो क्या हुआ है बताइए 11 करोड़ 50 लाख अपना एक करोड़ लगाओगे तो 10 साल में दो करोड़ है एक, ना एक करोड़ नहीं 20 पर... लाख पे 20 लाख पे क्या आप समझो मेरी बात दैट मींस यू वांट टू से हाउ मच 11 करोड़ 50 लाख इनटू 5 कर दो

करो डू इट डू इट अगेन समरी हाँ यू डू इट आप toss, आप जब घर में, toss, में हो ना एक्चुअली टॉस फेंक दो आप जो घर में कर रहे हो ना घर पे आप भी करके देखिए आपको ये नंबर आता है कि नहीं और ये uh, जो no, अभी इट कैन नॉट बी इलेवन करो अभी देखो इट कैन नॉट बी आप ये नो जो यंग मैन है ये सही huh? मैं मान रहा हूँ उनकी बात आप okay. करो पर आप करो आप आप करो और आप जो घर में बैठे हो ना आप भी करो <laughs> 20 लाख को 50 परसेंट टाइम्स 10 इयर्स आप मेरे को बताओ कमेंट्स में लिख दीजिए कि क्या हाँ, आपका नंबर आता है और मैं आपको अभी एक घर की बात कर रहा था अगर 11.5 करोड़ में पांच घर लिए थे तो कम से कम 55 नहीं 55 से ज्यादा होगा 55 से ज्यादा 11 करोड़ थ्री लैख राइट राइट अब अब दुनिया में कोई भी बोलना मेरे इंटू फाइव इंटू फाइव भी तो करोगे हम टू मेक इट इजी हम हाली वाली इक्वेशन में इट वॉज कमिंग आउट ओनली टू लैख रुपीज टू करोड़ रुपीज डबल लोग right. so, दिमाग से कमाते <laughs> हैं पैसा ये है सो यहां पे मैं सिंपली के लिए आपके लिए फिफ्टी सेवन करोड़ लिख देता हूं पॉइंट जो बाकी करोड़ लाख छोड़ दो आप 57 का तो अभी मैं माइंड एक मिनट दोबारा से आप लोग सिर्फ एप्रीसिएगा के करते हो एक करोड़ का दस साल में बनेंगे दो करोड़ लेकिन अगर बैंकों का पैसा लगाओगे तो एक करोड़ का दस साल में बनेंगे 57 करोड़ हर साल 10 परसेंट बढ़ता है दस साल के लिए 72 को डिवाइड कर तो हाँ, तो, तो कितना, 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 तो दो करोड़ से थोड़ा ज्यादा हाँ, जो जो करोगे हाँ, तो एक करोड़ का आपका दस साल में बनेगा ढाई तीन करोड़ तब तक लेकिन यहां बन जाएगा जो आदमी नहीं ले रहा है वो तीन करोड़ बनाए ठीक है पर जो आदमी ये वीडियो देख रहा है जिसको बढ़ना आगे जिसको बहुत सारे पैसे बनाने हैं अब ये देखो कि तीन करोड़ और फिफ्टी सेवन और अभी तक तो हम लोग सिर्फ इस पर है पे है। calm down, calm of, okay. वो भी टेन परसेंट हम यूज कर रहे हैं टेन परसेंट और इंडिया में और हाँ, काफी जगह पे आजकल टेन परसेंट तो बहुत आसानी से आ रहा है अगर सही तरह से ले रहे हो तो उसमें हमने इंस्टेंट एक्विटी यूज नहीं किया अभी नहीं। उसमें हमने कैश यूज किया यूज किया अभी हमने लेवरेज यूज किया और यूज किया ये फोर फाइव यूज किया तो ये तीन यूज नहीं उसके बाद साठ सत्तर करोड़ एक करोड़ इंटू hmm. करोड़ hmm. तो कहने का ये मतलब है कि आपने देखा होगा कि पूरे वर्ल्ड में जो लोग अमीर बन रहे हैं वो क्यों बन रहे हैं रियल स्टेट से इसलिए बन रहे हैं और मकान hmm. उन तीनों Manoj का मनोज कुमार की जो मूवी है hmm. उसमें ये तीनों हमें चाहिए रोटी 60. कपड़ा और मकान hmm. पर रोटी अप्रिशिएशन नहीं होती है कपड़ा अप्रिशिएट नहीं होता यूजली पहनो मकान अप्रीशियट होता है और वो नेसेसिटी है वो जरूरत है हमें थारिकी चाहिए थारिकी जरूरत है। हाँ तो जरूरत है और उसमें पैसा कमाओ बहुत बड़ी बात है तो अब हम इसके लिए बात करेंगे कि भाई ठीक है जिसके पास पैसे हैं बीस लाख रुपए क्या कलिया कर लेवरेज को हाँ लेवरेज को, को वही हुआ ना जो बीस लाख दिया और क्या कहते हैं एक करोड़ कलिया वो लेवरेज उसको उसको लेवरेज कहते हैं लेवरेज का मतलब है कि मैंने दुकान खोली और दुकान में दस लोग चाहिए मैं दस लोगों का काम करूंगा नहीं तो दस लोग जो हायर करोगे वो लेवरेज हो गई इसमें क्या हुआ मैंने एक घर लिया घर में मैं एक करोड़ नहीं डालूँगा बीस लाख डालूँगा और क्या कहते हैं क्या कहते हैं अस्सी लाख बैंक से लूँगा एक और चीज़ है जो इसमें नहीं है सिक्स नंबर नहीं नहीं नंबर सिक्स मैं बता देता हूँ नंबर सिक्स पे डाउन क्या मतलब उसका जैसे आप बैंक से पैसा ले रहे हो रही है और कम होता जा रहा हो, तो, तो मतलब है कि वो भी अगर आप एक साल में दो साल में करेंगे तो वो मोर्गेज पे डाउन का भी ऐड कर दो आप उसमें जैसे दस लाख रुपए कम हो गए जैसे दस लाख पांच साल में बैंक से आपने अस्सी लाख लिए अब बैंक को आप सिर्फ प्रिंसिपल बचाए पचास लाख तो तीस लाख का तो ती... पांच साल के बाद चार साल के बाद तीस लाख रुपए वो भी तो कम हो गए ना वो भी जब आप घर बेचोगे तो वो मिलेंगे ना आपको हाँ, मिलेंगे हाँ, तो... तो... आप, आपको ज़्यादा मिलेंगे मिलेंगे तो लाख लाख मिलते अब जी तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि अब क्या करना है हमें अब हमें नो मनी और विदाउट मनी की बात करनी है जो हम नेक्स्ट पे बात करें ठीक है ना ओके तो अब हम बात करेंगे कि रियल स्टेट विदाउट मनी पिछले जो एग्जाम्पल वो भूलना नहीं आप पर अब कैसे करते हैं um, पहली चीज मैंने बताया आपको कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी थिंग इज हाउ टू फाइंड गुड प्रॉपर्टी ये जरूरी है hmm. और विलर्स जरूरी हैं तो आपने बताया था मोटिवेटेड सेलर है लेकिन उन मोटिवेटेड सेलर तक पहुँचे कैसे हाँ ये इसकी बात हो रही आप. चलो so, है आप सो ये फोर पॉइंट्स हैं एक पहला तो नेटवर्किंग है पहले जब हमने शुरू किया था मेरे को पता ही नहीं था नेटवर्किंग क्या होता है उसका मतलब क्या है नेटवर्किंग का मतलब ये है कि बस आपके पास एक चीज़ है उनके पास एक चीज़ है उनसे आप रिलेशनशिप बनाओ जैसे हमने रिलेशनशिप बना लिया उनके साथ काम करना है और नेटवर्किंग कहाँ होती है वो होती है जैसे इवेंट्स पे हो गई So, जब ज़, हमने शुरू किया था तो हमने बोला कि हम कहा प्रॉपर्टीज ढूंढें एक तो हम अकेले ढूंढ सकते हैं पर ऐसे लोग ढूंढें जैसे पचास लोग हैं जो हमारे लिए प्रॉपर्टी ढूंढें तो इवेंट्स में गए कौन से इवेंट्स में गए पेड इवेंट्स में गए तो जो वहां पे हमें बहुत सारे ऐसे निगोशिएटर्स मिलते हैं जो बाहर जाके एजेंट्स होते हैं और इन्वेस्टर्स होते हैं जो उनको अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज मिलती है पर उनके पास पैसा नहीं है पर उन्होंने यहाँ पे आके सीखा कि कैसे करना है और वो बाहर जाएंगे इन्वेस्टिगेट करेंगे एक घर कह अरे मेरे को तो अस्सी लाख में मिल रहा है पैसे नहीं है मेरे पास अरे मैं सुनील को जानता हूं जिसको मैं इवेंट्स में मिला था है ना हुँ, 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 तो हमने तो एक्सचेंज कर लिया मैंने बोला कि मेरे पास पैसे हैं आपके पास आपके पास जब घर आ जाए बता देना मेरे को तो कहाँ मिले नेटवर्किंग इवेंट्स में मिले आजकल की डेट में आप नेटवर्किंग ऑनलाइन कर सकते हो वर्चुअल इवेंट्स में कर सकते हो इन पर्सन इवेंट्स में भी कर सकते हो और उनमें मिलना जैसे हमारा इवेंट हो रहा है नाइनटीन फेबर जो हो रहा है उसमें हमारे पास मिलियनर्स मल्टी मिलियनर्स आएंगे ठीक है ना इन कैनेडा पर टोरंटो में हाँ पर हम जैसे हम हमारे मेंबर्स हैं हम खुद उनको आ, पैसे लेंड करते हैं अगर उनके पास अच्छी डील हो या उनको बेचना हो या हमारे साथ कोलाबरेट करना हो तो वो वहां मिलते हैं दूसरा है सेंटर सी ओ आई सी ओ आई का मतलब है सेंटर ऑफ इंफ्लुएंस सेंटर ऑफ इंफ्लुएंस वो होते हैं जिसके पास किसी के पास कनेक्शंस होते हैं किसी के पास क्लाइंट्स uh, होते हैं जैसे आप सेंटर ऑफ इंफ्स आर सेंटर ऑफ इंफ्लुएंस एक सेंटर ऑफ इंफ्लुएंस जब हमने शुरू किया था सत्रह साल पहले जब हमने पुलिस फोर्स की नाकी छोड़ी थी तो उसने हमें एक सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस मिला था जिसके पास इतने सारे इन्वेस्टर्स थे तो मेरे को सिर्फ एक सेंटर इन्फ्लुएंस से रिलेशनशिप बनानी थी उसने बोला क्या चाहिए मेरे को ये चाहिए उसने बोला कि ठीक है मेरे को बीच में इतना पैसा मिल जाएगा मेरे कहाँ मिल जाएगा तो उसने फिर अपने स्टूडेंट्स को अपने क्लाइंट्स uh, uh, को बोला कि भाई सुनील के पास ये प्रॉपर्टीज है अगर आप चाहिए तो बोल दो तो ये एक आदमी की वजह से क्योंकि उसका रिलेशनशिप है उसका इन्फ्लुएंस है तो उसने सारे आदमी हमारे पास भेज दिए और अब मेरे को देखना नहीं पड़ा तो उसने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हमारे पास भेज दिए तो सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस होते हैं जैसे आपने बोला लॉयर्स भी हो सकते हैं अकाउंटेंट्स भी हो सकते हैं पब्लिक स्पीकर्स हो सकते हैं ट्रेनर्स हो सकते हैं कोचेस uh, मेंटर्स जो वो भी यूट्यूबर्स हो सकते हैं यूट्यूबर्स हो सकते हैं आप जैसे हैं तो सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस Mm -hmm. कर सकता है आपको mm -hmm. तो जब हम इवेंट में जाते थे ना हमारा क्या था? कि हम या तो हर लोग सेक्स्ट network करें, वन करें, mm -hmm. है हमने बात कर लिया उसके तो और फोर्थ वन है इंफ्रास्ट्रक्चर in, ग्रोथ क्या होता है कि जब प्रॉपर्टीज आप बाय करते हो ना तो कभी कभी मेन सिटी में प्राइसिस काफी बढ़ गई है तो सिटी का एक ऐसा होता है या कनेक्टेड लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता है कि दस किलोमीटर आगे दो साल में कुछ होने वाला है वहाँ पे वहाँ पे बड़े दुकान आने वाले हैं प्लाजा आने वाले हैं एक हज़ार घर बनने वाले हैं वो पता करते हैं ना तो उसमें जब आप बाय करते हो घर वो चाहे आप बिलो मार्केट भी नहीं बाय करते हो रेगुलर प्राइस में बाय कर लेते हो तो वो आपको ये देखना है कि ग्रोथ का जो सांप है ना किस तरफ जा रहा है ना कि कहाँ जा रहा है, ना कि कहा है, कहा जा रहा है? है. तो अगर ग्रोथ का जो का सब जो है, यहां तक अभी पहुंचा हुआ ये सारा ये बहुत एक्सपेंसिव है सात आठ साल पहले ही मुझे पता चला एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी पूरी थी पूरी सड़क थी जो कि कमर्शलाइज होने वाली थी

पूरे डे ऑस्पेस की सारी की सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू जितनी है वो टेन टाइम्स टेन टाइम्स हो गई बताओ और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है hmm. इसमें क्या है कि आपको मोर वेरियस सेलर्स की भी जरूरत नहीं है exactly. क्योंकि आपके पास नॉलेज है नॉलेज वाला है हां कनेक्शन नॉलेज आपको पहले पता है कि होने वाला है सो स्टार्टिंग पॉइंट सबका ये है कि यू हैव टू फाइंड यू हैव टू फाइंड ग्रेट डील ये स्टार्टिंग पॉइंट है सबका ये है अगर ये नहीं है तो आपका आप स्टिल बन पैसे बनाएंगे कोई बात नहीं है चाहे आज दे पर जो मलता मिलेर बनना चाहता है बहुत बहुत अच्छी तरह जल्दी जल्दी कमाना चाहता है उसके लिए गुड डील की बहुत जरूरत है नेक्स्ट पेज ओके नया अब हम मेन चीज पे आते हैं कि अगर पैसा नहीं है टू थाउजेंड एट टू थाउजेंड नाइन टेन इलेवन ट जब रियल स्टेट क्रैश हुआ अमेरिका में उस टाइम हमने कैसे हजारों घर लिए विदाउट मनी विदाउट मनी है ना hmm. और आपने बताया था पहले कि अपने अप, पर hmm. मैं बताऊं कि क्या है वो ये है कि हर रियल स्टेट में पैसे की जरूरत होती है hmm. अब आप बोलेंगे अरे ये तो लिखा हुआ है नो मनी विद रियल स्टेट तो अभी तो बोल रहे पैसे की जरूरत है। पैसे की जरूरत होती है मतलब कि जरूरी नहीं है कि आपके पैसे की जरूरत है बस पैसे की ही जरूरत है पूरे वर्ल्ड में इस, ए, इंडिया में कहीं पे भी करोड़ों अरबों रुपए हैं जो आपके लिए वेट कर रहे हैं कि भाई हमें बढ़ाओ और हमें आगे करो और तो कॉन्सेप्ट एक सिंपल है वो ये है कि आप हैं स्वेट एक्विटी और ये है मनी पार्टनर्स स्वेट एक्विटी मतलब कि पसीने की कमाई जो कर रहा है वो, वो घर ढूंढ रहा है वो अच्छी प्रॉपर्टीज ढूंढ रहा है और वो पूरा काम कर रहा है अभी हुँ, हुँ. और ये पैसे वाला कह रहा है कि मेरे को काम बाब नहीं करना है हुँ. पैसे मैं दूंगा हुँ. काम करके वापस कर दो पैसे और प्लस मेरा प्रॉफिट दे दो हुँ. तो इक्विटी प्लस इन्वेस्टर इक्विटी इन्वेस्टर इक्विटी मतलब पैसा स्वर एक मतलब वो शुरू से एंड तक तीन महीने लग जाए चार महीने लगे छः महीने लग जाए उसका काम करना है उसको कुछ पैसा नहीं मिलेगा जब तक वो कमा के नहीं देगा जब तक वो प्रॉफिट नहीं देगा hmm. तो ये कॉन्सेप्ट है तो so उसमें कैसे हो गया तो कहाँ पर आप ऐसे लोग ढूंढ सकते हो hmm. पहली बात तो है सोशल मीडिया आज पूरे वर्ल्ड में अगर आप इंडिया में हो ना और आपको एक करोड़ रुपया रेज करना है तो उसका मतलब हुआ आ, अमेरिका में एक लाख पच्चीस हज़ार डॉलर्स तो उनके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है तो समझो आप हमारी क्लब के मेंबर्स हो या हमारे एसोशिएटेड हो और बोलो कि मेरे को ये घर लेना है सुनील और ये अच्छी का है और हम वहाँ से एक बटन दबाएँगे पैसे लोयर के अकाउंट में आएंगे जो कि फिर देन एग्रीमेंट होगी फिर वो बैंक में जाएंगे और आप घर ले लोगे और हम सिर्फ एग्रीमेंट में ये करेंगे कि आप हमारे बगैर हमारे परमिशन के बगैर वो घर को आप बेच नहीं सकते हो ये एक मतलब लीन डाल देंगे वो वकील से क, के थ्रू ही करेंगे ठीक है ना तो एग्जाम्पल ये सिंपल है कि आप इंडिया में रहते हो दिल्ली में बॉम्बे में यहाँ पे कहीं पर भी रहते हो और आपके पास प्रॉपर्टी आप हमें जानते हो और आप बोलोगे सुनील देखिए यहाँ पे अच्छी सी प्रॉपर्टी मिल रही है पर मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है कैश आप इन्वेस्ट कर दो उसमें एक करोड़ आपने डाल दिया पहला एक पैसा भी नहीं लूंगा मैं जब तक आपका एक करोड़ वापस नहीं आएगा 100 वापस आना उसके बाद एक करोड़ के बाद हमने पचास लाख बनाए जितना बना उसका फिफ्टी परसेंट आप ले लेना फिफ्टी wow. परसेंट आप ले लेना wow. तो ये जो दूसरा आदमी है जो जो इंडिया में है या जो कनाडा में है जो अमेरिका में है जिसके पास पैसे नहीं है उसने 25 लाख विदाउट मनी नो मनी कमा लिए ठीक है ना ये आप लोगों के लिए अगर क्लियर नहीं है तो इस वाले पॉइंट को दोबारा से देखिए आप लोग जी हाँ बिल्कुल और 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 कहाँ ढूंढ कहाँ से ढूंढ सकते हो आप ये लोग एक तो सोशल मीडिया कौन सी सोशल मीडिया एक है लिंकड लिंक्डइन में क्या है कि जो सीईओ फाउंडर्स सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंसेस हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स वो सारे लिंक पे हैं और कभी कभी आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो hmm. वैसे डायरेक्टली कनेक्ट करना उनसे बहुत मुश्किल होता है hmm. पस, पर, पर में hmm. एक एक है, है कर सकते हो आप. तो एक तो हो आप तो तो ये गया कि hmm. कनेक्शन आप इन्फ्लुएंस uh, से भी कनेक्ट कर सकते हो उनमें से सौ में से अगर पांचों ने आपसे किया फाइव परसेंट देन यू नीड वन पांच तो छोड़ो Absolutely. तो तो एक हो गया हो। दूसरा हो गया uh, आपने सुना होगा लोग बोलते हैं कि यू हैव टू क्रिएट ए विन win situation. पूरे वर्ल्ड में जब मैं टोनी रॉबिन्स रॉबिन शर्मा और रॉबर्ट की उकी जो जिनके साथ मैंने स्टेज शेयर किया है okay. जिसमें मैं लोगों को ट्रेनिंग करता हूं उसमें मैं एक कांसप्ट बताता हूं कि व्हाट इज अ लूज विन सिचुएशन अ लूज विन सिचुएशन का मतलब ये होता है कि एक आदमी की सक्सेस इतनी है और आपकी सक्सेस अभी नहीं है hmm. तो ये आदमी अगर बोलेगा कि मेरे को उससे विन विन सिचुएशन करना है अभी hmm. इसके पास तो टाइम ही नहीं है कैसे करोगे सिचुएशन तो आपको क्या करना है लूज सिचुएशन करना है उसका मतलब क्या है कि पहले आप ऐसा ऑफर दो जिसमें वो लूज करे आप लूज करोगे आप खुद लूज करोगे हाँ। और ये गेन करेगा।, करेगा उसका मतलब क्या हुआ जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ जैसे आप इवेंट्स करते हो लाइव इवेंट्स करते हो कोविड चला गया चलो लाइव इवेंट करते हो लाइव इवेंट्स में आप जाओ और उनको बोल सकते हो कि भाई आपके लिए मैं वॉलंटियर फ्री करना चाहता हूँ तो वॉल्टियर फ्री पूरा आपके चार दिन का पाँच दिन का वो है इवेंट तो ये आदमी आके बोलता है मैं पांच दिन आपके लिए वॉलंटियर करूंगा एक पैसा नहीं लूंगा आपको जो मुझसे करवाना करवा लो और मुझे कुछ नहीं चाहिए पहले आपको इस हिसाब से आना है कि आपको वैल्यू ऐड करनी है

दूसरा लूज सिचुएशन ये होता है कि जैसे आ, आ, वो सी ओ आई के पास ऐसी चीज है जिसमें आप उसके साथ टाइम बिता सकते हो जैसे आ, उनके पास कोई ऐसा कोर्स है जैसे उनके पास मास्टरमाइंड माइंड है जिससे अब वो बोलेगा मेरे को ए एक लाख रुपए दे दो पचास हजार दे दो जो भी दे दो और आप को मैं सारा दिन सिर्फ दस लोग बीस लोगों के साथ आ, वो करूंगा जैसे हमारे पास हाँ, हाँ, ये ये रुपये मुझे, दो, मुझे दो, हाँ, so दोस्ती कर ली जी और, और मेन चीज उसमें है कि आ, सो दो सौ लोगों की बात नहीं हो रही है उस वो कोर्स में उसमें जाना चाहिए आपको जिसमें उसके पास दस बीस पच्चीस से ज़्यादा लोग ना हो क्यों क्योंकि सारा दिन वो आपकी आप आप उसको पैसे दोगे पहले तो एंड में क्या होता है कि सेंट्रल इन्फ्लुंस ये बोलता है भाई इसने लोगों ने पैसे दिए हैं वट कैन आई डू फॉर यू मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ आपको अगर टिकट जो उसकी मिलने के लिए हज़ार वाली है जिसमें आपको उसका कोर्स मिलता है पाँच हज़ार वाली है जिसमें आपको उसको, उसको उसको स्टेज पे देखने को मिल जाता है और ये सिचुएशन ये लूज यूज़ किया उसके बाद मेरी बिजनेस बहुत बड़ी वेरी गुड थैंक यू थैंक यू अब अब नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप विद सीओ आई तो यहां से तो कवर कर चुके हैं हाँ यहां से लूज विन सिचुएशन शुरुआत है और ये नेक्स्ट लेवल है रिलेशनशिप विद इन्फ्लुएंस जब आप उसके क्लोज uh, आ जाते हैं बात करते हैं उस टाइम आप उनसे सारे रिलेशनशिप बना जब बन गई है तब उनको वो बोलिए कि मुझे क्या चाहिए मुझे भाई मेरे को अपनी मेरा यूट्यूब चैनल है वो बढ़ नहीं रहा है मेरे ये नहीं बिक रहे हैं मेरे ये नहीं बुक रहे हैं या मेरे को पैसे चाहिए रियल स्टेट के लिए तो जब रिलेशनशिप बनेगी ना ये लूज से तो शुरुआत है पर रिलेशनशिप से पैसे मिलते हैं रियल स्टेट के लिए ओके एंड ई लिस्ट ये ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हमने क्या किया था जब शुरुआत की थी तो हमने कहा था कि आ, कैसे हम एक बटन दबाएं और एक घर हो एक घर के लिए सौ लोग लड़ें कि भाई मेरे को चाहिए इन्वेस्टर्स तो हमने क्या किया था इवेंट्स में जाके ई लिस्ट बनाई फिर एक घर आया उस घर में लिखा ये घर एक करोड़ का है इसमें मुझे अस्सी लाख का मिला है और इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना है कौन इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है okay. hmm. पर एक घर सौ इन्वेस्टर्स के पास गया ईमेल से hmm. अब ईमेल्स पे वो लड़ने लगे कि मुझे दे दो hmm. तो ट्रिक यह है कि अगर पहले आप ईमेल लिस्ट बनाओ इन्वेस्टर्स की फर्स्ट hmm. बनाओ तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एक आ, घर है

और ईमेल लिस्ट में पहले हमने हजार लोगों के लिए लिस्ट बनाई फिर तीस हजार लोगों की लिस्ट बनाई अब मेरे को बताओ मेरे पास अगर तीस हजार लोग होंगे तो कुछ भी बेच लोगे ना यार उसमें क्या होता है कि है। जब आप बटन दबाते हो ना तो इन्वेस्टर्स आ जाते हैं और बोलते हैं कौन सा बल्क मेल कैसे हो सकते हैं कौन से पोर्टल से होते हैं कैसे होते हैं कोई भी देखिए ईमेल मार्केटिंग के जैसे ई मेल मार्केटिंग में काफ़ी हैं ऑनलाइन जो आप यूज कर सकते हो ई करने के लिए जोहो एक वन है जो इंडिया में बहुत फेमस है. है और वो एक बटन दबाओ हर आदमी का नाम उसमें ऑटो पॉपुलेट हो जाता है

तो हमने ई भेजी और विद इन टी मिनट्स वो चला गया तो एक आदमी ने फ़ोन किया मेरी असिस्टेंट ने आके बोला कि भाई एक आदमी है बहुत गुस्से में है मैंने कहा क्या हुआ कहता है वो मेंबर है और आपका मेंबर गुस्से में है कि भाई मेरे को सुनील से बात करनी है तो उसने बोला वो बिजी है उसने बोला नहीं वो वो ड्राइव करके फिर ऑफिस में आया और लॉबी में जाके चुप करके बैठ गया तो मेरे असिस्टेंट को बोलता है जब सुनील के पास टाइम होगा ना मैं उससे बात करूंगा मैं यहाँ पे बैठा रहूंगा जब तक आप तो मैंने मेरा अपॉइंट मेरा अपॉइंटमेंट हुआ अपॉइंटमेंट हुआ फिर लंच आया तो उसने बोला अभी भी है बैठा मैंने कहा चलो भेज दो उसको बोलो दो मिनट भेज देते भेज दो अंदर तो अंदर आया बैठा कहता है क्या आप मुझे पसंद नहीं करते हो मैंने कहा क्या हुआ क्या तुम तो मुझे दोस्त नहीं समझते हो मैंने कहा क्या हुआ कहता है वो जो प्रॉपर्टी आपने भेजी थी मैंने बीस मिनट के अंदर बोला मुझे चाहिए और फिर मेरे पास ई आती है कि बिक गई आपने दूसरे को क्यों दिया मुझे क्यों नहीं दिया मैंने कहा भाई अभी इतने लोग हैं अब जो, जो 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 पहले आएगा उसको दे दूंगा तो उसने पर अपनी जेब से निकाला तीन लाख डॉलर उसने बोला ये नहीं वो हाँ सर्टिफाइड सर्टिफाइड बैंक ड्राफ्ट बैंक के पास गया बैंक में से तीन लाख रुपए का सर्टिफाइड ड्राफ्ट होता है जो सर्टिफाइड चेक होता है ना वो लाके मेरे कंपनी का वो बोला ये रखो मैंने कहा मैं क्या करूंगा इसका कहता ये अपने अकाउंट आप में डाल लो मैंने कहा क्यों कहता जब दूसरी बार कोई ऐसी चीज आए ना मेरे को सिर्फ पहले बता देना और मेरे को कोई इसका इंटरेस्ट नहीं चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए तीन लाख डॉलर रखो अब रख लो कोई बात नहीं है तीन लाख डॉलर रख लो आप तो जब नेक्स्ट टाइम उसको हमने कर दिया तो कहने का मतलब क्या है कि जब आपके पास ऐसी लिस्ट होती है ना तो लोग फाइट करते हैं कि आपने मुझे क्यों नहीं दिया मेरी अपॉर्चुनिटी खराब हो गई मेरे उनका क्या है कि वो खुश हो जाते हैं फिर बोलते हैं अरे पर अगर जो लिस्ट नहीं होती है तो in, yeah. <coughs> list, you right. so ये हो गया ईमेल लिस्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट अब बोलेंगे रिलेशनशिप विद सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड बिकमिंग अ सीओआई ये मल्टी मल्टी मिलियन डॉलर वालों के लिए कर, मल्टी करोड़पतियों के लिए ये है लास्ट mm. वाला बिकम एसेंट mm. ये तो रिलेशनशिप विद सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस सो द वे यू बिकम सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस कुछ चीज़ें हैं एक mm -hmm. तो जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है ही इज अ सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस हाउ यूट्यूब अगर YouTube नहीं होता देन नॉट मेनी पीपल वो यू ठीक है ना okay. तो ये सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस YouTube से हो सकता है सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस हो सकते हैं जो स्टेज uh, uh, पे जाके uh, जो आपको पता है mm -hmm. उसके बारे में लोगों को टीच करें वो सेंटर हो जाते हैं एक तो ये यूट्यूब हो, हो गया mm -hmm. दूसरा हो गया स्टेज एंड थर्ड हो गया बुक्स mm -hmm. और उसके अबव एवरी हो, होता है हो क्या कहते हैं ब्रांडेड बुक्स मीनिंग इनडोर्स बुक्स विथ लेजेंड्स सो हम हमने क्या किया था शुरू में हमने जैक एंड फील ब्राइंड ट्रेसी शॉर्क टैंक इन सब के साथ मैंने किताबें लिखनी शुरू कर दी okay. तो मेरा नाम जो नहीं जानते थे वो मेरा नाम जाने लगे hmm. तो आई बी खेम देंटर ऑफ इन्फ्लुएंस नॉट वंस नॉट ट्वाइस बट डिफरेंट लेवल्स तो लोगों मेरे को स्टेज पे बुलाने शुरू कर दिए जापान में यूरोप में कि भाई आपने टोनी रॉबिन्स के साथ ये hmm. तो ये बहुत बड़ी बात है hmm. तो अगर आप बिजनेस में हैं सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस हैं यूट्यूबर हैं कोच कंसल्टेंट मैंटोर स्पीकर ट्रेनर हैं तो ये सबसे बड़ी चीज़ है ये आपके लिए सबसे बड़ी है क्योंकि जब ये बढ़ती है ना mm. तो क्रेडिबिलिटी बढ़ती है द हायर द क्रेडिबिलिटी मोर मन यूल सो एज एन एग्जाम्पल ऑफ सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस ये हमारी बुक आई थी इस uh, कुछ महीने पहले इस, विद ब्राइन चोसी टू वेम टूवेल्थ वॉल्यूम थ्री हाँ इस बुक में देखिए ब्राइन चोसी के साथ हमने ये सातवी बुक है ये जो हमारी आई है तो कहने का मतलब ये है कि जो मैं कह रहा हूं ना कि बनने के लिए वो मैं खुद कर रहा हूं वो हम खुद कर रहे हैं अभी अभी तो आपको सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस बनना है कुछ करने के लिए जिसमें लोग आपको देखें स्पीकर यूट्यूब या बुक जो भी आपका है उससे बन सकते हैं आप सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस आप इस वीडियो को बार बार देखें इवेंट आपका है 19 को वो आपको जरूर आना है अगर रियल स्टेट में हो हुँ. वो है मनी रेजिंग बूट कैंप अगर हुँ. आपको कनाडा से अमेरिका से यूरोप से मनी रेज करनी है ना आना है अ वर्चुअल लाइव इवेंट आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिली जाएं. जी जी लाइक करो इस वीडियो को शेयर करो और इसको बार बार जरूर देखना थैंक यू वेरी थैंक यू वेरी मच बाय थैंक यू बाय